सब्सक्राइब टू टेक रश्मि एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो वीवो फोन का इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। आप एक वीवो यूजर है तो प्लीज़ इस वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीवो फोन में तो बहुत ही सारी सेटिंग है, बट मैं आज आपको जो बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट सेटिंग होगा जिसको आपकी फ़ोन में ऑन करना चाहिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। फास्ट हमको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखेगा स्टेटस पर एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको और एक ऑप्शन दिखेगा जो है नेटवर्क स्पीड। नेटवर्क स्पीड को आप सिंपल से ऑन करना है। ऑन करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना स्पीड से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके नीचे आप और एक ऑप्शन आएगा जो है डाटा यूजेज, इसको आपको ऑन करने से आप नोटिफिकेशन पर जब जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल टुडे आप कितना एमबी यूज किए हैं और दिस मंथ आप टोटल कितना जीबी यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। सो बैक चले जाइए। उसके बाद आप और एक ऑप्शन आएगा सिस्टम नेविगेशन, इस पर आप क्लिक करके जो चाहिए आप नेविगेशन की पर रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करें बैक, होम और रिसेंट आप देख सकते हैं, और नेविगेशन की आप ऑफ करके भी वो काम कर सकते हैं जैसे आपका फ़ोन का लुक अच्छा आएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं, इसको करके आप जो आपकी होम पर जा सकते हैं, और इसको करके आप जो रिसेंट ऐप है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा जो आई प्रोटेक्शन, जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, इसको आपको ऑन करना है। जब आप रात में आपकी फ़ोन यूज करते हैं तो आपकी आई की ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो इसको आपको ऑन करना चाहिए। चाहे तो आप वार्म कर सकते हैं, इसको आप कूल भी कर सकते हैं, मुझे लगता है आप मैनुअली रहने दीजिए कि इसका मैनुअली आप ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, नीचे आपको जाना है मोर सेटिंग, मोर सेटिंग पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप और एक ऑप्शन दिखेगा इजी टच, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको ऑन करना है। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पर आपको एक सर्कल चलाएगा, ठीक है, इसको आपका विजिबिली आप लो और हाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप बैक जा सकते हैं, आपका स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट, बैकग्राउंड सब आपको डायरेक्ट होम भी जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप कस्टमाइज भी फुली कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी देखा देता हूँ मोर सेटिंग और इजी टच, यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो चाहिए इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शन लगा है मुझे ये लगा है। और उसके बाद हम नीचे जाते हैं और एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ जो है स्मार्ट मोशन। ठीक है, स्मार्ट मोशन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट वॉक पर क्लिक करना है, जैसे इस सारे ऑप्शन को आपको ऑन करना है। ठीक है, मैं और एक ऑप्शन ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे स्लाइड ऑफ टू अनलॉक, इसको आप ऑन करना है। ऑन करने के बाद जैसे आपका फ़ोन ऑफ है, आप स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्लाइड डाउन टू टेक फोटो, यहाँ पर जो डाउनलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। डाउन सी टू लॉन्च डायलर, डाउन जो ड्रॉ एम टू प्ले म्यूजिक, ऐसे बहुत ही ऑप्शन है। ड्रॉ यू टू लॉन्च ब्राउजर, इस सारे को आप ऑन करके यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक दिखा देता हूँ, ड्रॉ एम टू प्ले म्यूजिक, जैसे एम मैंने क्लिक किया, सॉरी मेरा एम में मैं क्लिक किया और ये मेरा जो म्यूजिक कुछ नहीं है इसलिए वो ऑन नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर एक ड्रॉ डब्ल्यू टू लॉन्च व्हाट्सअप, ठीक है, इसको हम ओपन करके दिखा देता हूँ। डब्ल्यू किया और मेरा व्हाट्सअप यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, और बहुत ही सारी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे जो है इस सेटिंग पर, जैसे स्मार्ट मोशन पर। उसके बाद इसको हम सारे ऑफ कर देते हैं, आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है एयर ऑपरेशन, इस दोनों को आपको ऑन करना है। ठीक है, ऑन करके बैक जाना है। ठीक है, यहाँ पर इसको आपका फ़ोन ऑफ है, आपको टाइम देखना है, आपकी एयर के आपके फ़ोन के ऊपर आप ऐसे हाथ करेंगे, एयर से आपका मूव करेंगे आपकी फ़ोन के ऊपर, और आप देख सकते हैं जो आपका फ़ोन है आपका पूरा ब्लैक होके दिखाएगा कि टाइम अभी क्या है। ठीक है, इस एयर ऑप्शन जो एयर ऑपरेशन को ऑन करके आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टर्न ऑन स्क्रीन, जो ऑटोमेटिकली होगा, जो डबल टैप टू लाइट, डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ। जैसे मैं डबल फ़ोन को डबल क्लिक करूँगा मेरा फ़ोन ऑन होगा, फिर से डबल क्लिक करूँगा मेरा स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, फिर से डबल क्लिक करूँगा ऑन होगा, फिर से डबल क्लिक करूँगा जो ऑफ हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है। ठीक है, ऐसे करके आपकी फ़ोन का जो है आप कर सकते हैं। और एक सेटिंग है, इसको आप ऑन कर लेंगे और आपकी वॉल्यूम डाउन क्विक को प्रेस करके
फ़ोन को चेक करेंगे तो आपका डिस्प्ले जो आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा, फिर से डाउन की करेंगे तो आपका फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपकी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो आपको ऑन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।